Power in politics within modern political parties. Modern political parties have distinctive, innovative features, like vast networks of communication and other organizational hierarchies. And studies by some political sociologists, they have been given very much clear picture of this uh, modern uh, trends of political parties that how much power political parties actually they enjoy because uh, many political sociologists they uh, presented the argument that the organizational strength of political parties through which leaders try to manipulate the electorates specifically and another important analysis of organizational feature एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ मॉडर्न पार्टीज़ इज़ ऑल्सो वेरी मच रेलीवेंट हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आजकल की जो सियासी जमातें हैं चूँकि इनके पास बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ गए आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर पार्टीज़ अब डिपेंडेंट नहीं हैं कि कोई उनका लीडर हर जगह जाकर जलसा करे हर जगह खुद जाकर बात करे बल्कि अब जो सोशल मीडिया की इन्वॉलमेंट है उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मैसेज फौरी तौर पर जहां वो पहुंचाना चाहती हैं वहां तक तो वो पहुंचा ही देती हैं उसके साथ साथ उनका मैसेज हर जगह स्प्रेड हो जाता है और बहुत सारी वो चीज़ें जो पहले छुपाई जा सकती थी अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ये चेक भी है यानी नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव भी कि अब उनके पास जो बहुत स्पीडी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं और पॉलिटिक्स के अंदर उनका रोल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है क्योंकि अब उनको मैनेज उनको चेक करना ज़्यादा मुश्किल है लेकिन वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि वो किस किस्म की एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहती हैं किस किस्म की इंफॉर्मेशन देना चाहती हैं क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हद तक नेगेटिव इंफॉर्मेशन देंगी तो अल्टीमेटली वो स्टेट के लिए और ख़ुद पार्टी लीडरशिप के लिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकती है फिर इसके साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनज हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज फॉर द इन्वॉलमेंट ऑफ मैसेज इन द पोलिटिकल स्ट्रगल इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एट द वट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स अ पोलिटिकल पार्टी हैज़ अब एक तो बुनियादी तौर पर पार्टी मैनीफेस्टो है जो तहरीर होता है लेकिन पार्टी मैनीफेस्टो सिर्फ एक फ्रेमवर्क है गिवन फॉर्मूला है अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है जैसे जैसे हालात बदलते हैं और ख़ास तौर पर ड्यूरिंग द इलेक्शन कम्पेन और एट द टाइम ऑफ एनी क्राइसिस वट टाइप ऑफ पॉलिसी प्रेफरेंसेस अ पार्टी गिवस टू द देश अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर पार्टी ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करा दिए जो लोगों को अप्लाई लोगों को अपील ना किए तो जाहिर है फिर पॉपुलैरिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती ऐसे ही हर पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो कितना इफेक्टिव है अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आजकल के दौर में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देन हाउ वी कैन क्लेम दैट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ स्टिल रेलिवेंट लाजमी बात है कि पोलिटिकल पार्टीज का भी एक हार्किल स्ट्रक्चर होता है एक टॉप का लीडर है फिर उसके बाद एक टीयर ऑफ सेकेंड लीडरशिप होती है और पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी मकसद ही क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ज़रिए कि वो निचली सतह से लोगों की ट्रेनिंग शुरू करे और हाईएस्ट लेवल तक पॉलिटिकल लीडरशिप कि बहुत सारी ऐसी टीयर्स अवेलेबल हों कि अगर कोई एक लीडर ना रहे तो बहुत सारे आल्टरनेट उसी तरह से तैयार लीडर्स जो हैं वो मौजूद हों लेकिन आम तौर पर जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आज के दौर में भी उनके यहाँ जो क्राइसिस होता है जो सवाल उठता है कि वो एक लीडर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी से फ़ायदा उठाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करते और हालांकि अगर पार्टीज़ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रोंग होगा तो वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर भी चेक रख सकता है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो रही या अगर पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो वो उसको इवेलुएट करे सेंट्रल कमेटीज़ क्या बनाई गई हैं क्या पार्टी अहदेदार मौजूद हैं क्या उनकी जो आ, पार्टी अहदेदार बाकायदा इलेक्शंस के जरिए आते हैं यानी पूरी दुनिया के अंदर सियासी जमातों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से जब वो पावर में आती हैं तो उनकी तैयारी हुई, हुई हुई होती है कि उन्होंने कैसे रन करना है ऑफिस को और अगर वो ऑपोजिशन में होती हैं तो दैन दे ऑल टाइम दे आर प्लानिंग दैट हाउ दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर क्योंकि अपोजिशन में रहते हुए भी ट्रेनिंग है पावर के अंदर रहते हुए भी एक कांस्टेंट एफर्ट है कांस्टेंट स्ट्रगल है और ये सब का सब मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं वो बयान करते हैं जब वो लिखते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हैं

उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल हुआ वो मुल्क जो सियासी लिहाज से डेवलप्ड हैं वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का नाम डोमिनेटिंग है वहाँ लोग आते हैं अपना रोल परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अगले इलेक्शन में उस पॉलिटिकल पार्टी के पास नई टीम होती है लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है यहाँ पर्सनैलिटीज़ डोमिनेट करती हैं और पॉलिटिकल पार्टी का रोल जो है वो बैकफुट पर चला जाता है यानी शख्सियात के साथ पार्टीज़ चलती हैं और यही डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड की जो सियासत है उसके पावर स्ट्रक्चर का यही अलमिया है कि वहाँ सियासी जमातें अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन हारती या जीतती हैं जबकि हमारे यहाँ जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ शख्सियात का नाम ज़्यादा बड़ा होता है और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो महज एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर रोल प्ले करती है और शख्सियात के नाम पर वोट दिए जाते हैं या वोट नहीं दिए जाते और उन्हीं की बुनियाद पर सियासी जमातों की ज़िंदगी भी डिपेंडेंट होती है